आपको सिस्टम बता रहा हूँ, मतलब एकदम सिंपल सी, आपको अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा, नाइट्राइट कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, आपको इजीली करना है। मतलब बायोफ्लॉक ऐसे क्रिटिकल बन गया ना अभी, तो किसी को लगता है भाई उसका पीछे पड़ा रहता है, मतलब ऐसा नहीं है। आपको ये सिस्टम फॉलो करो, आपको अमोनिया ज्यादा नहीं होगा, नाइट्राइट ज्यादा नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या है, पैरामीटर अगर 20% नहीं होगा तो मास्टिक का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आपको फूल पर मोलासिस भी नहीं चाहिए, पहला बार चाहिए, जितना बार डिसबैलेंस होगा उतना बार ही ना चाहिए। और बायोफ्लॉक डिजीज फ्री कल्चर है, जो भी आपका मास्टिका मोर्टेलिटी होता है वो हमारे लिए होता है। वाटर पैरामीटर डिसबैलेंस हो जाता है, पीएच ज्यादा हो गया, पीएच कम हो गया, डीओ ज्यादा हो गया, तो हमारा फ्लॉक डेंसिटी कम हो गया, मतलब बैक्टीरिया डेड जोन में चला गया, ये हमारा गलती है। जैसे मैं बता दिया आपको, बताऊंगा बैक्टीरिया कैसे मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे बता दिया आपको इतना पीएच मेंटेन करना है, कितना पीएच 6.5 टू 8.5, हमको इतना पीएच मेंटेन करना है। टेम्परेचर भी बता दिया।